ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत के खिलाफ झूठे आरोपों में उलझ गए हैं और अब बुरी तरह से फंस चुके हैं। भारत ने जब उनके सारे झूठों की पोल खोल दी तो वो छाती पीटते हुए ब्रिटेन की शरण में जा पहुंचे। जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप निज्जर की हत्या को लेकर भारत पर झूठे आरोप लगाए और जब भारत ने सख्ती से जवाब दिया तो वो बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। क्या ये सब सियासत चमकाने के लिए हो रहा या इसके पीछे कोई और बड़ा खेल, चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब खालिस्तानी आतंकी हरदीप निज्जर की हत्या हुई और इसके बाद जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर झूठे आरोप लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने सीधे तौर पर भारत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय एजेंट्स कनाडाई नागरिकों को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन भारत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। जस्टिन ट्रूडो की सियासी मजबूरियां जग जाहिर है। कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों का वोट हासिल करने के लिए वो भारत के खिलाफ इस तरह के प्रोपेगेंडा फैला रहे, लेकिन उनके आरोपों का कोई ठोस सबूत अब तक सामने नहीं आया। भारत ने इस मामले में साफ साफ कह दिया कि ये आरोप बेबुनियाद है और भारत ने बार बार कनाडा से सबूत मांगे, लेकिन ट्रूडो की सरकार ने अब तक कोई पुख्त सबूत पेश नहीं किया। भारत के विदेश मंत्रालय ने ट्रूडो के आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें तथ्यों के साथ सामने आने को कह दिया है। इसके बाद जस्टिन ट्रूडो की असलियत दुनिया के सामने आ गई। भारत ने जब उनके आरोपों को झूठा साबित कर दिया तो ट्रूडो बुरी तरह से घबरा गए और अब वो दुनिया भर में अपनी साख बचाने के लिए ब्रिटेन की शरण में जा बैठे। भारत से मुक्की खाने के बाद जस्टिन ट्रूडो ने यूके के प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर को फोन लगा डाला। कनाडा के पीएम ऑफिस की ओर से जानकारी दी गई कि ट्रूडो ने ब्रिटेन पीएम से बात की और भारत पर लगे अपने आरोपों को दोहराया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जस्टिन ट्रूडो अब और कितना गिरेंगे? क्या वाकई में कनाडा भारत के संबंधों को बेहतर करना चाहते हैं या केवल खालिस्तानी समर्थकों का समर्थन जीतने के लिए ये सब कर रहे हैं? ब्रिटेन के सामने जाकर मदद की गुहार लगाने से ये साफ है कि जस्टिन ट्रूडो को खुद भी यकीन नहीं है कि उनके आरोप सच्चे हैं। कनाडा में अगले साल चुनाव होने वाले हैं और जस्टिन ट्रूडो का ये पूरा ड्रामा चुनावी वोट हासिल करने के लिए हो सकता है। खालिस्तान समर्थक वोट बैंक को लुभाने के लिए ट्रूडो ने भारत के साथ संबंधों की बलि चढ़ा दी। ये एक शर्मनाक स्थिति है क्योंकि ट्रूडो जैसे नेता को अपने देश के हितों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का भी ख्याल रखना चाहिए, लेकिन वो केवल अपनी सियासत चमकाने और बढ़ाने के लिए भारत के खिलाफ झूठे आरोप लगा रहे हैं। भारत और कनाडा के रिश्ते में अब खटास आ चुकी है। हाल ही में भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया और अपने कई राजनयिकों को वापस बुला लिया। ये कदम कनाडा द्वारा लगाए गए बेबुनियाद आरोपों के खिलाफ भारत की सख्त कार्रवाई का हिस्सा है। भारत और कनाडा के बीच ये विवाद तब और बढ़ गया जब कनाडा ने आरोप लगाया कि भारत के उच्चायुक्त संजय वर्मा और अन्य राजनयिक इस मामले में शामिल हैं, लेकिन भारत ने साफ कह दिया कि ये आरोप आधारहीन है। आने वाले वक्त में देखना यह दिलचस्प होगा कि जस्टिन ट्रूडो और कितना गिरेंगे। क्या वो अपनी चुनावी रोटियां सेकने के लिए अन्य देशों को भी भारत के खिलाफ लामबंद करेंगे या फिर खुद को और बेइज्जत होने से बचाने के लिए कुछ और साजिश रचेंगे। खैर जो भी हो, भारत ने यह साफ कर दिया है कि वो इस मामले में किसी तरह का झूठ बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत अपनी साख और अपने नागरिकों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेगा और पूरी दुनिया को दिख रहा कि कैसे जस्टिन ट्रूडो की नलसबाजी सामने आ रही और भारत खिलाफ उनकी साजिश बेनकाब हो रही। आपका क्या कुछ कहना है जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ, कॉमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट भारत तक।